नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी के इस खास इनिशिएटिव में मैं हेमंत प्रधान आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं फास्ट टेक रिवीजन की, और फास्ट टेक रिवीजन में आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट का एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट, डिफेंस टेक्नोलॉजी या रक्षा प्रौद्योगिकी को। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको फ्लैश हो रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, DRDO का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO। ऑप्शंस आर, पहला ए जो है हैदराबाद है, बी दिल्ली है, तीसरा सी बेंगलुरु है, और डी जो है विशाखापट्टनम है। इसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। इसे ऐसा याद रख सकते हैं कि DRDO भवन न्यू दिल्ली में है, और आप इसे बड़े आसानी से साथ लॉजिक लगा सकते हैं कि न्यू दिल्ली में ही DRDO का हेडक्वार्टर होगा। ओके, और खास कर कन्फ्यूज़न होता है हैदराबाद और न्यू दिल्ली से, तो बहुत तायत हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं हैदराबाद को टिक करके, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे, इसे IGMDP भी कहते हैं। इन विच ईयर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च। IGMDP का मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शंस आर, ए 2005, बी 2008, सी 1983 और डी 1993। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1983, यानी कि सी ऑप्शन। दोस्तों इसके बारे में खास तथ्य यह है कि 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में सबसे पहले IGMDP यानी भारत में पहली बार मिसाइल निर्माण यानी इंडिजिनस मिसाइल, स्वदेशी मिसाइल बनाने का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 1983 में। इसकी सफलता इस बात पे सुनिश्चित थी कि वो पूरी टीम काफ़ी एकीकृत थी, काफ़ी डिवोटेड थी, और वर्ष 2008 तक ये पूरा प्रोग्राम चला और 5 महत्वपूर्ण मिसाइल हमने इस दौरान डेवलप किए थे। ओके, दैट इज पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इन 5 महत्वपूर्ण मिसाइल का हम निर्माण किए थे इस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP के थ्रू। ओके, कम टू द थर्ड क्वेश्चन, नाग क्या है, व्हाट इज नाग? नाग ऑप्शन ए बैलिस्टिक मिसाइल, बी क्रूज मिसाइल, सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और डी सुपरसोनिक मिसाइल। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके, आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। बैलिस्टिक मतलब एक समझ सकते हैं कि बैलिस्टिक पाथवे का को फॉलो करता है वो। इसे इस प्रकार समझें, ये इस प्रकार, ये बैलिस्टिक पाथवे को ये फॉलो करता है, यानी कि इसे आप इस प्रकार समझें कि कोई पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट होगा और एक इस प्रकार का एक पाथवे वो फॉलो करेगा। ठीक है, टारगेट यहाँ पे है, आप यहाँ से लॉन्च करते हैं तो ये बैलिस्टिक पाथवे होगा। ठीक है, क्रूज मिसाइल ऐसा होता है कि एक बार आप इसे लॉन्च कर दिए तो इसकी दिशा भी आप बीच में बदल सकते हैं। ठीक है, आधे बीच में भी आप, अगर आपको लगा कि टारगेट जो पोजीशन है चेंज हो गया है, तो आप उस जगह को वापस से रिलोकेट करके आप उसे हिंट दे सकते हैं और वापस वो जाके उसे वो डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जैसे टैंक के अगेंस्ट, इसलिए एंटी टैंक है, तो टैंक के को जब भी आपको डिस्ट्रॉय करना है तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्लैश हो रहा होगा, फोर्थ, भारत की पहली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हैं। ऑप्शंस आर, जनरल विपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे, सी राकेश कुमार सिंह भदौरिया और डी करमबीर सिंह। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहे होंगे तो बहुत आसान प्रश्न है। जी हाँ, इसका सही आंसर है जनरल विपिन रावत, जो पहले आर्मी चीफ हुआ करते थे, बाद में उनको भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS में प्रमोट कर दिया गया, और ऐसे ये पहले व्यक्ति हैं और ये पद भी पहली बार भारत में क्रिएट किया गया है। ओके, बट
इसमें बाकी ऑप्शंस भी आपके लिए उतने ही हेल्पफुल हैं या इन्फॉर्मेटिव हैं। देखिए मनोज मुकुंद नरवणे, ये कौन है, भारत के आर्मी चीफ हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो 28वें नंबर के ये आर्मी चीफ हैं। उसके बाद देखिए राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वो एयर चीफ मार्शल हैं। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में एयर चीफ मार्शल कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। एंड द डी ऑप्शन करमबीर सिंह, वो कौन है, वो नौसेना प्रमुख यानी कि एडमिरल हैं प्रेजेंट सिनेरियो में। ओके तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिए और ये चारों के चारों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त्र मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल है, उसका नेचर पूछा गया है। देखिए टाइप ऑफ मिसाइल में अगर देखते हैं तो इसकी स्पीड के आधार पे, इनके अटैकिंग नेचर के आधार पे, ऐसे इस प्रकार के इसमें क्या है डिविजन्स हैं यानी प्रकार हैं, तो वेरियस काइंड ऑफ इसके जो हैं कह सकते हैं इनके डिविजन हैं। तो पहला ऑप्शन है सरफेस टू सरफेस, दूसरा है एयर टू एयर मिसाइल है, ये सी ऑप्शन है सरफेस टू एयर मिसाइल है, और डी नन ऑफ दीस है। क्या होगा इसका सही आंसर, हम बात करते हैं अस्त्र मिसाइल। तो अस्त्र मिसाइल से याद रखिएगा दो चीज़ें आप जनरली यूज़ करते हैं, अस्त्र और शस्त्र। तो शस्त्र को क्या है ऐसे आप फेंकते हैं लाइक त्रिशूल, और अस्त्र क्या है लाइक आप भगवान विष्णु को देखें तो उनका सुदर्शन चक्र क्या होता है एयर टू एयर जाता है, वो पहले से एयर में लटका होता है और फिर एयर में ही वो ट्रैवल करके सामने जो है टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। तो इससे लॉजिक लगा सकते हैं सुदर्शन चक्र एक अस्त्र है, और यहाँ से याद रख सकते हैं कि अस्त्र मिसाइल क्या है, हवा से हवा यानी एयर टू एयर मिसाइल है। आई होप ये समझ पाए होंगे। अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनाका, पिनाका क्या है, भगवान शिव का धनुष, इसे पिनाका नाम भी कहा जाता है, तो उसी से इसका नामकरण हुआ है। व्हाट इज पिनाका, ऑप्शंस आर ए हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है बी, सी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंड द डी ऑप्शन इज बैटल टैंक या युद्धक टैंक। क्या होगा इसका सही आंसर, यस इसका सही आंसर है यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है आप कैसे याद रखेंगे, जैसे धनुष से तीर जो है निकलती है लॉन्च होती है, तो बस वही लॉजिक है। और पिनाका क्या है, पिनाका भगवान शिव का धनुष है, तो जिस प्रकार धनुष से तीर क्या है लॉन्च होती है, वैसे ही ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है। आई होप इसे कभी भूलेंगे नहीं आप। ओके तो सी इज़ द राइट आंसर। कम टू द सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक उपक्रमों में सुमेलित नहीं है, ठीक है, डिफेंस सेक्टर PSUs आर नॉट वेल मैच्ड, ठीक है, ऑप्शंस आर ए मझगांव डाक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर दिया हुआ है मुंबई, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर दिया हुआ है बेंगलुरु, सी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर दिया हुआ है गोवा, और डी ऑप्शन है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर है वाइजैग यानी विशाखापट्टनम। ओके इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसे लॉजिक फिर से लगाइए। देखिए ये इसमें खासकर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि भारत में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको कौन सा प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है, DRDO, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ओके इसके एसोसिएट या इनको असिस्ट करने वाले बहुत सारे और भी ऐसे PSUs हैं यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सार्वजनिक उपक्रम हैं जो रक्षा क्षेत्र में इनको मदद कर रहे हैं, और इनकी स्थापना ऐसा है कुछ तो आज़ादी के पहले से ही कार्य कर रहे हैं। जैसे आप हेडक्वार्टर का अगर देखें तो वो बहुत पहले से वो क्या बोलते हैं हमारा जो है कुछ ऐसा एरिया डेवलप कर चुका था, खासकर पोर्ट वाला एरिया या कुछ ऐसा एरिया, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि कुछ ऐसे डिफेंस वाले ऑर्गेनाइजेशन जो आज़ादी के पहले भी आए हैं वो आज भी उसी फ्रिक्वेंसी के साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और DRDO जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी वो तो बाद में आया, भले आज वो सबको लीड करता है। ओके तो यहाँ पे देखिए सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच दिया हुआ है, इसका आंसर है सी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ओके
और पहला मझगांव, मझगांव मुंबई के पास है तो मझगांव डाक लिमिटेड, इसलिए मुंबई सही और करेक्ट मैचिंग है। बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल बेंगलुरु में है, ये अभी न्यूज़ में रहा है हाल ही में, आपको पता है होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। और सी जो है गार्डन रिच, ये तो आपका सही आंसर है क्योंकि वो करेक्टली मैच नहीं है, गोवा दिया हुआ है बट उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता है। और डी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, विशाखापट्टनम पे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। धनुष मिसाइल है, धनुष मिसाइल है क्या है, ऑप्शन ए पृथ्वी वन, बी पृथ्वी टू और सी पृथ्वी थ्री, ठीक है, और डी नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका सही आंसर, यस इसका सही आंसर होगा पृथ्वी थ्री। इसका ये कहना चाहिए एक नौसैनिक संस्करण है, यानी कि एक नेवल जो वर्जन है इसे हम धनुष कहते हैं। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी थ्री इक्वल टू धनुष, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। धनुष क्या है, नौसैनिक वर्जन है ऑफ पृथ्वी थ्री। ओके, तो ये आपका सही आंसर होगा सी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IGMDP के अंतर्गत इस मिसाइल का विकास नहीं हुआ था, दिस मिसाइल वॉज नॉट डेवलप अंडर IGMDP। वापस से बात आ रही है, IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था, मैंने बताया था 1983, खत्म कब हुआ 2008 में ये फिनिश हुआ। और जब ये फिनिश हुआ तब ये हम अग्नि के पांचों वर्जन यानी अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5 हम ऑलरेडी बना चुके थे। ओके, तो अग्नि 5 की समाप्ति के साथ ही IGMDP प्रोग्राम समाप्त हुआ था। तो इसमें देखिए 5 महत्वपूर्ण मिसाइल जो बने थे वो कौन कौन से हैं, इसे ऐसा याद रखेंगे, पटना PATNA बहुत कॉमन अप्रोच है, पटना, पी स्टैंड फॉर पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ठीक है। आई अगेन रिपीट, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, तो पटना से याद रख सकते हैं, इन पांचों महत्वपूर्ण मिसाइल का निर्माण IGMDP के थ्रू हुआ था। ओके, सो देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं, अग्नि इसका हुआ था, त्रिशूल इसका भी हुआ था निर्माण, आकाश का भी निर्माण हुआ था, निर्भय दिया हुआ है, तो निर्भय इज द राइट आंसर, जिसका निर्माण IGMDP के थ्रू नहीं हुआ था। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सही कथन है, पहला स्टेटमेंट है यह सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और भारत एवं रूस के संयुक्त प्रयास से निर्मित है। तो इसमें ऑप्शंस आर, सही कथन पहचानना है तीन स्टेटमेंट में, 1, 3, 2, 3, 1, 2 और 1, 2, 3, क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए आपको बता दूं ब्रह्मोस के बारे में, ब्रह्मोस एक काफ़ी पावरफुल एंड वेरी वेरी एडवांस मिसाइल है आज के डेट में भारत के पास। अगर कोई देश हमसे डरता है तो उसका एकमात्र या एक जरूरी कारण ये क्या है, ब्रह्मोस है, यानी ब्रह्मोस इतना पावरफुल है कि हमसे चाइना और कोई भी ऐसा दुश्मन देश जो है इससे डरता है क्योंकि इसका तोड़ उनके पास अभी भी नहीं है। ओके, ये उतना विध्वंसक या विनाशकारी है। ओके, ब्रह्मोस जो है एक्चुअल में ये दो देशों के संयुक्त टेक्नोलॉजी से डेवलप किया हुआ मिसाइल है, जिसमें भारत के ब्रह्मपुत्र और जो रशिया का मस्कवा रिवर के संयुक्त नाम से ब्रह्मोस नाम पड़ा है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से निर्मित है। अब देखिए सुपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक, यहाँ पे लॉजिक लगाइए, चूंकि ये काफ़ी एडवांस है, हैवी है, तो हैवी चीज़ को आप बैलिस्टिक पाथवे में ले जाना थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बता दूं कि हम सुपरसोनिक स्पीड में बैलिस्टिक मिसाइल का ये वर्जन ब्रह्मोस अभी तक बना नहीं पाए हैं। जो भी हमारे पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है वह क्या है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है, वह क्या है, क्रूज मिसाइल है, जो अपेक्षाकृत कम दूरी में हम लॉन्च कर सकते हैं और हम इस पर ज़रूर हम जो है रिसर्च कर रहे हैं, नियर फ्यूचर डेफिनेटली उस पर सफल होंगे। और ब्रह्मोस 3, 2 और 3 जो बना है ऑब्वियसली वो काफ़ी हाई स्पीड वाला बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो आपका क्या है यहाँ पे, सेकेंड वाला ऑप्शन यानी सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक हम अभी के सिनेरियो में डेवलप नहीं कर पाए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके,
11th नंबर का क्वेश्चन अगर देखते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में सही कथन है, कौन सा स्टेटमेंट सही ने पूछा गया। देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये पहला स्टेटमेंट है। इसका परास है यानी रेंज ऑफ दिस मिसाइल इज 5000 किलोमीटर से ऊपर है, ओके। थर्ड जो स्टेटमेंट है, इसे इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया था। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि IGMDP के थ्रू हम अग्नि 5 के मिसाइल तक हम फाइनली 2008 तक हम बना चुके थे और वहीं पे हम इसे समाप्त कर दिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब देखिए इसका रेंज और नेचर। देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल वर्ड जो आ रहा है मतलब अंतर महाद्वीपीय, दो महाद्वीप के बीच की दूरी को जो तय करने वाला जो है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल या अंतर महाद्वीपीय कहेंगे, ओके। और बैलिस्टिक मिसाइल जब बात होती है तो ऑब्वियसली जब दो महाद्वीप यानी कि एक लंबी दूरी को जब भी ट्रेवल करना है तो हम एक प्रोजेक्टाइल पाथवे यानी प्रक्षेप जो है पथ को हम फॉलो करेंगे। यानी कि आपको पता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, 45 डिग्री पे हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे हम क्या है, ये जो है इस डिस्टेंस में क्या होता है, ज़्यादा हम दूरी को कवर करते हैं यानी कि प्रोजेक्टाइल पाथवे पे, ओके। तो ये जो बैलिस्टिक पाथवे है एक्चुअल में यही लंबे डिस्टेंस को कवर कराता है, इसलिए हम यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं यह क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही। और दोस्तों बता दूँ कि अग्नि की जितने सीरीज़ हैं 1, 2, 3, 4 तक हम क्या थे, मध्यम दूरी वाले थे, तब तक हम इंटरकॉन्टिनेंटल वाली क्षमता हासिल नहीं किए थे। तो जब आप अग्नि 5 बनाए तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था, ओके। तो क्या होगा, आपका फर्स्ट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए सेकंड, इसका रेंज आप अग्नि 5 से याद रख सकते हैं, 5 तो 5000, ठीक है। और अग्नि 6 की बात अगर करते हैं तो आपका 8000 से 10000 किलोमीटर के आसपास हम अगर वो रेंज को देखें तो वो अग्नि 6 का रेंज होगा। और आपको बता दूं अग्नि 6 जो है IGMDP का पार्ट नहीं है। और एक बहुत ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर हम बात करते अग्नि सीरीज़ के कोई भी मिसाइल के बारे में तो आप बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रख सकते हैं, टेसी थॉमस, जिसे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि अग्नि सीरीज़ के मिसाइल बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जो आप भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हैं वो ऑलरेडी पूरे IGMDP में उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान या योगदान रहा है, इसलिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है, ओके। ये बहुत आसान है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, और डी है नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? अगर आप इसमें देखेंगे, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी 2009-2010 के आसपास हम इसे हासिल किए थे। सबसे पहले हमको ये टेक्नोलॉजी सेल करने का जो पहला प्रयास उन्होंने किया था वो कंट्री था रशिया। बट बीच में जो है रशिया जब हमको हेल्प कर रहा था इस दौरान, USA ने बीच में हमको रोक दिया कि ये टेक्नोलॉजी आप हासिल नहीं कर सकते। तो उनके हस्तक्षेप के कारण जो क्या हुआ, हम जो काफ़ी पहले हासिल करते वो वर्ष 9 और 10 के आसपास हम इसे हासिल किए, ठीक है। तो क्या है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जब अंतरिक्ष में इतने बड़े बड़े हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं या काफ़ी सफलतापूर्वक या एक्यूरेसी के साथ कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वहाँ पे भी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। भारी भरकम किसी भी मिसाइल को जब भी हम लॉन्च करते हैं या हम इसकी मदद लेते हैं तो ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमको हेल्प करती है। तो क्या है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, देखिए आपको पता है भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, भविष्य का जो फ्यूल या ईंधन किसे कहते हैं, उसका नाम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैस को जब काफ़ी कम टेम्परेचर पे कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं, तो वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो उसके बाद क्या है, हम इसे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा। और आपको बता दूँ, हाइड्रोजन को माइनस
253 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस में जब हम कंप्रेस करते हैं तो वह लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और तब हम देखते हैं हाइड्रोजन फ्यूल की तरह से काम करेगा और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में थ्रस्ट जनरेट करता है यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का आना भारत में एक क्या था, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, क्योंकि हमारे पास हम इससे पहले काफ़ी ऐसे ईंधन यूज़ करते थे जो काफ़ी वेस्ट छोड़ता था या फिर ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। अब ये क्या था, हाइड्रोजन पता है सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्की जो है गैस है कहना चाहिए या तत्व है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और ऑक्सीजन भी रिलेटिवली जो है गैस फॉर्म में होता है। तो एक सस्ता विकल्प और काफ़ी इम्पॉर्टेंट विकल्प और काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट विकल्प हमने जनरेट कर लिया और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के कारण आज हम काफ़ी ज़्यादा सफल लॉन्च कर पाते हैं। उसके बाद देखिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और अद्यतन आंकड़ों के अनुसार इनके कितने लैब या प्रयोगशाला भारत में हैं। ये वैसे तो देखा जाए ये आंकड़ों से संबंधित प्रश्न है, लेकिन फिर भी अगर इसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे अगर देखेंगे तो ज़रूर आप इसे कंसीडर कर सकेंगे। 49, 50, 51 और 55, ये कुछ लॉजिक लगाना नहीं है, आज के सिनेरियो में देखते हैं तो टोटल ऐसे 51 क्या है लैब भारत में स्थापित हैं जो DRDO को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन टैंक नहीं है, विच वन इज नॉट ए टैंक, अर्जुन, T90 भीष्म, कर्ण और चिनुक, क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन है डी, चिनुक, क्योंकि चिनुक क्या है, बोइंग कंपनी का एक हेलीकॉप्टर है जिसे हमने बाय किया था ओके USA से। और यहाँ पे देखिए अर्जुन क्या है, अर्जुन एक टैंक है जिसे अब्दुल कलाम साहब ने बनाया था ओके। और T90 भीष्म क्या है, ये भी एक टैंक है जो थर्ड जनरेशन का टैंक है, और कर्ण जो है यह भी एक टैंक है ओके। सो डी इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सही सुमेलित है अगेन, पहला है ए ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, बी है काली 5000 ये बीम अस्त्र है, और थर्ड अपर्णा अत्याधुनिक राडार है, और फोर्थ जो है रूस्तम 2 ये क्या है, एक ड्रोन है या मानव रहित विमान है। गौर से देखिए, हम इससे पहले इस क्वेश्चन को डील करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है DRDO की और इसका जो सही आंसर है सभी के सभी करेक्टली मैच्ड हैं ओके। सो 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन इसका सही होगा ओके। ऐसा इसलिए देखिए, ध्रुव जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो हम आज प्रयोग करते हैं, काली 5000 एक काफ़ी शक्तिशाली बीम अस्त्र है, और दुश्मन देश के अगर कम्युनिकेशन को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो इट वर्क्स लाइक अ जैमर, ये किसकी तरह कार्य करता है, जैमर के टाइप से कार्य करता है। आप काली 5000 को अगर आप ऑन करते हैं तो एक काफ़ी बड़े रेडियस में क्या होता है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में क्या करता है, ये सभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट या कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस हैं उस सभी को क्या कर देता है, जैम कर देता है, और आप वहाँ पे क्या होता है कनेक्ट या कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने बाकी लोगों से ओके। अपर्णा क्या है, एक अत्याधुनिक राडार है जो आज सर्विसेज हम ले रहे हैं। रूस्तम 2 एक्चुअल में, रूस्तम और रूस्तम 2 दोनों ही ड्रोन हैं, और रूस्तम जो ये जो ड्रोन है ये किसी भी वेदर में हम इसे काफ़ी आसानी से यूज़ करते हैं, और रूस्तम का ऑब्वियसली एक मॉडर्न वर्जन है रूस्तम 2 ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ओके। पहला है पृथ्वी सरफेस 2 एयर मिसाइल, सतह से वायु मिसाइल, बी त्रिशूल सतह से सतह मिसाइल, आकाश सतह से वायु मिसाइल, और डी सागरिका सतह से वायु मिसाइल, क्या होगा इसका सही आंसर। ये बड़े ही कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे वाले, ठीक है, हम सरफेस टू सरफेस करें या सरफेस टू एयर करें तो थोड़ा केयरफुली देखिए इसे। देखिए अगर ऑप्शंस के तौर पे देखा जाए तो इसमें सही सुमेलित जो दिख रहा है मुझे वो है
सी आकाश, सतह से वायु मिसाइल यानी सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके देखिए इसे कुछ प्रमुख तथ्यों के आधार पर देखिए। पहला ए ऑप्शन है पृथ्वी, सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र यानी सतह से सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल जो दिख रहा है ना वो सरफेस टू सरफेस है पृथ्वी। ओके ये कम से कम 250 से 300 किलोमीटर के आसपास के रेंज में ये मिसाइल यूज़ किया जाता है, हालांकि रेंज अलग अलग हो सकते हैं। ओके एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। त्रिशूल जो है वह सरफेस टू सरफेस दिया है बट वो सरफेस टू एयर है। सिमिलर लाइक मैं बताया था त्रिशूल को जैसे आप फेंकते हैं तो ये क्या है ऐसा फेंकते हैं तो ये क्या है शस्त्र है तो सरफेस टू एयर। ओके तो इसे ऐसा याद रख सकते हैं त्रिशूल को ऐसे ही फेंका जाता है। जैसे सुदर्शन चक्र को एयर टू एयर करते हैं ना तो वो क्या है वो अस्त्र है एयर टू एयर बट ये शस्त्र है त्रिशूल को नीचे से फेंका जाता है तो ये सरफेस टू एयर है। ओके लॉजिक समझ गए। बहुत कम दूरी है ना त्रिशूल को जैसे हाथ में फेंकें तो ज़्यादा दूर तो फेंक नहीं पाएंगे तो यहाँ पे क्या है आपको बता दूँ कि जो ये जो मिसाइल है त्रिशूल काफ़ी कम दूरी वाले जैसे कि आप 1-2 किलोमीटर हुआ या 5 से 8-9 किलोमीटर आसपास वाले रेंज में आप इसे यूज़ करते हैं। ओके आकाश मिसाइल, सतह से वायु मिसाइल ये तो सही ऑप्शन है ठीक है। और डी जो है आपका सागरिका वो सतह से वायु मिसाइल जो दिख रहा है वो एक्चुअल में सतह से सतह मिसाइल है। ओके और इसे करीब 700 किलोमीटर के आसपास वाले रेंज पे हम क्या करते हैं लॉन्च करते हैं किसको सागरिका को। और आकाश का रेंज अगर आप नोट करना चाहें करीब 25 से 30 किलोमीटर के आसपास वाले रेंज में हम आकाश मिसाइल को यूज़ करते हैं। ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17। भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है। देखो बराक 8 मिसाइल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मिसाइल है जिसमें काफ़ी कॉमन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। ऑप्शंस आर ए रशिया, बी यूएसए, सी इज़राइल और डी फ्रांस। ठीक है तो इसमें देखिए बराक जो मिसाइल है हमने इंपोर्ट किया था इज़राइल से, उनकी टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया और फाइनली हम एक संयुक्त टेक्नोलॉजी के थ्रू बराक नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल डेवलप कर लिए। ठीक है याद रखिए कॉमन एफर्ट है ये। ओके तो इस प्रकार इसका जो सही ऑप्शन क्या है इज़राइल, सी इज़ द राइट आंसर। ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इंद्र क्या है, व्हाट इज इंद्र। यह एक मिसाइल है, राडार है, चालक रहित विमान यानी ड्रोन है या टैंक है। ठीक है देखिए जब भी इंद्र के बारे में बात आती है तो याद रखिएगा इंद्रदेव तो ऊपर हैं ठीक है और वहाँ से सब पे नज़र रखे हुए हैं, बस लॉजिक वही है। राडार भी क्या है सब पे नज़र रखता है तो इंद्र क्या है एक राडार है, बी इज़ द राइट आंसर। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदीपुर एकीकृत मिसाइल परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है ऑप्शंस हैं बंगाल, उड़ीसा, अंडमान और लक्षद्वीप। ठीक है क्या होगा इसका सही आंसर, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये कहाँ पर है। देखो आप लोग पढ़े होंगे अब्दुल कलाम आइलैंड, आप लोग बलियापाल क्षेत्र पढ़े होंगे, सिमिलरली एक होता है चांदीपुर मिसाइल टेस्टिंग रेंज। ठीक है ये है बेसिकली अगर देखा जाए, अगर कोस्ट के हिसाब से देखा जाए यानी कि जो वेस्ट बंगाल का कोस्ट है उससे काफ़ी करीब है, फिर भी ये क्या है उड़ीसा में आता है क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन उड़ीसा से होता है। और आपको बता दूँ भद्रक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भी इसे कई बार लिया जाता है, बट आपको लॉजिक क्या लगाना है कि ये उड़ीसा से दूर जरूर है किंतु ये उड़ीसा का ही पार्ट है जबकि वेस्ट बंगाल के काफ़ी नियर बाई है। अंडमान भी हमारे लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र है, लक्षद्वीप तो बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो क्षेत्र में क्या है ये टेस्टिंग रेंज वगैरह नहीं है। और आपको बता दूँ इसका सही आंसर क्या है उड़ीसा। ओके तो इस प्रकार दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने देखा और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है ओके थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।